नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। आज हम बात करेंगे सहजन के बारे में, यानी मोरिंगा ओलिफेरा के बारे में। यह अंग्रेजी में हॉर्स रेडिस ट्री डर्म स्ट्रिक प्लांट, संस्कृत में शुभांजन शीघ्रु मोचक तीक्ष्णगंधा, हिंदी में सहजन सुहाजन मुनगा आदि नामों से जाना जाता है। इसके गुणधर्म है, इसकी त्वचा और पत्तों का लेप विदाही सोथर सूजन को दूर करता है और विद्रोही पाचन है। बीज चूर्ण का नस्य शिरोविरेचन हेतु प्रयुक्त होता है। बीज तेल वेदना स्थापन और सोथर है। यह नाड़ी तंत्र को उत्तेजित करता है। आंतरिक प्रयोग में यह रोचन दीपन पाचन विदाही ग्राही शूल प्रशमन और क्रमिग्न है। मीठा सहजन पिच्छिल और मधुर रस होने के कारण सारक होता है। उष्णता के कारण यह हृदय को उत्तेजित करता है। रक्त भार वर्धक है एवं सोथर है। यह कफग्न है। छींक तीक्ष्णता और उष्णता के कारण यह गुर्दे को उत्तेजित करता है। मूत्र की क्षारीयता और मात्रा वर्धक है। उष्णता से आर्तव जनन शुक्रग्न मेदग्न तथा विषग्न है। यह स्वेद जनन व ज्वरग्न है। इसके बीजों का प्रयोग लेखन और चक्षुष है। इसके औषधीय प्रयोग है, वात पित्त कफ या सन्निपात से उत्पन्न नेत्र शोथ में इसके पत्रों के रस में सम भाग मधु मिलाकर यानी शहद मिलाकर दो दो बूंद आंख में डालने से दर्द का शमन होता है। यदि स्वर भंग है, आवाज साफ नहीं आ रही है, तो स्वर भंग में इसकी जड़ का क्वाथ बनाना चाहिए और उससे कुल्ले करने से बहुत लाभ होता है। दंत रोग है यदि, तो इसके गोंद को मुंह में रखने से दांत का सड़ना रुक जाता है। यदि श्वास रोग है, सहजन की जड़ों का रस और अदरक का रस संभाग मिलाकर 10 से 15 ml की मात्रा में नियमित प्रातः और सायं पिलाने से श्वास रोग मिट जाता है। यदि मंदाग्नि है, तो मुख और इसकी ताजी जड़ सरसों और अदरक को संभाग पीसकर 1-1 ग्राम की गोली बनाकर 2-2 गोली प्रातः सायं सेवन करने से तिल्ली व मंदाग्नि में लाभ होता है। मुख और गले के छाले मिटाने के लिए इसकी 2 चम्मच जड़ का चूर्ण को 400 ml पानी में उबालकर जब चतुर्थांश शेष रहे तो इसके गरारे करने चाहिए, तो इससे मुख और गले के छाले मिट जाते हैं। पाचन शक्ति के लिए इसकी जड़ के 10 ग्राम रस में सौंठ 2 ग्राम डालकर सुबह शाम पिलाने से पाचन शक्ति बढ़ती है। यदि आंतों की कृमि है, तो इसके लिए सहजन की फलियों की सब्जी खाना चाहिए। इससे आंतों की कृमि मर जाती है अथवा आंतों में कीड़े नहीं पड़ते। यदि मूत्रक्रच की समस्या है, इसके 10 ग्राम गोंदकूर नित्य 7 दिन तक दही के साथ खाने से मूत्रक्रच की समस्या मिट जाती है। यदि जलोदर की समस्या है, इसकी 50 ग्राम जड़ का 200 ग्राम पानी में तैयार किया गया हिम या फांट थोड़ा थोड़ा पिलाने से जलोदर रोग मिटता है। यदि किडनी में पथरी है, तो इसकी छाल या इसकी मूल का क्वाथ यानी इसकी जड़ की मूल का क्वाथ 20 ग्राम दिन में 3 बार पिलाना चाहिए। आंतरिक सूजन है, यदि शरीर के अंदर की सूजन है, इसके लिए इसकी छाल को जल में घिसकर 10 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से सब प्रकार की सूजन उतर जाती है। इसकी छाल को स्वदेशी पेनिसिलिन भी कहा जाता है। सोथ है तो न्यूमोनिया या पसलियों का दर्द उदर सूल आदि में इसकी छाल का लेप बाहर रूप से करने से सूजन मिटकर आराम मिलता है। अंदर या बाहर हर प्रकार की सूजन में इसका लेप लाभदायक है। यदि आमवात की समस्या है, इसके बीजों के तेल की संधिवात यानी जोड़ों के दर्द में और आमवात या वात रक्त में मालिश करने से बहुत लाभ होता है।
पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए इसके 8 से 10 पुष्पों को यानी फूलों को 250 ग्राम दूध में उबालकर सुबह और शाम पीने से पुरुषार्थ बढ़ता है। यदि दाद की समस्या है तो इसकी मूल की छाल जल में घिसकर लेप करने से लाभ होता है। यदि यकृत कैंसर है तो इसकी 20 ग्राम छाल का क्वाथ बनाकर आरोग्य वर्धनी बटी 2 गोली के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से लाभ होता है। बाह्य लेप कहां कहां, इसकी ताजी जड़ को अदरक और सरसों के साथ पीसकर लेप करने से गठिया बात मिटती है। इसके गोंद का लेप करने से गठिया की सूजन मिटती है। इसके पत्तों को पानी के साथ पीसकर गुनगुनाकर लेप करने से वायु की पीड़ा मिटती है। इसके पत्तों को बराबर के तेल के साथ महीन पीसकर गुनगुनाकर लेप करने से घुटनों की पुरानी पीड़ा, कई दिनों की पीड़ा भी इससे मिटती है। इसके पत्तों को तेल के साथ पीसकर लेप करने से और धूप में बैठने से चोट और मोच की पीड़ा मिट जाती है। इसकी छाल और राई को पीसकर लेप करने से कान के नीचे की सूजन मिटती है। इसकी जड़ की छाल को पीसकर लेप करने से स्नायु रोग मिटता है। इसकी जड़ के कल्क को सरसों के तेल में पकाकर जलाकर मलने से खुजली मिटती है। इसकी जड़ को पीसकर गरम करके लेप करने से स्लीपर यानी हाथी पांव की समस्या भी इससे मिटती है। इसके गोंद को तिल के तेल में गर्म कर कान में 2-2 बूंद टपकाने से कान का दर्द मिटता है। इसकी जड़ का 20 ml रस, सेंधा नमक 125 mg, मधु 1 चम्मच और तेल 50 ml को गर्म कर कान में 2-2 बूंद टपकाने से कान का दर्द मिटता है। यकृत और तिल्ली, रक्तवाहिनी, नसों की पीड़ा, धनुर्स्तंभ, स्नायु दुर्बलता, किसी अंश का सूनापन, पीप वाली फुंसी और कुष्ठ में इसकी फलियों का साग या इसकी सब्जी बनाकर सेवन करना बहुत ही लाभकारी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।